हमारे YouTube चैनल पूर्वी कुकिंग में आज हम बनाने वाले हैं आलू मैदे का टेस्टी नाश्ता। इसको बनाने के लिए हमने लिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू। इनको बॉईल करके हमने अच्छे से मैश कर लिया है। हम ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच नमक। इसमें हम ऐड करेंगे कट किया हुआ हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ हम ले रहे हैं 1 कटोरी मैदा, आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, स्वादानुसार नमक। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, आप इसमें घी का भी यूज कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। हमने इसका कुछ इस तरह का डो तैयार किया है। यहाँ हम ले रहे हैं 1 चम्मच मैदा, इसमें थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका पतला मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अब हम एक लोई को रोल के लिए बेल के तैयार करेंगे। सूखी मैदा की हेल्प से हम इसे पतला बेल के तैयार कर लेंगे। हमने इसे कुछ इस तरह का बेल के तैयार किया है। चाकू की हेल्प से हम इसे चौकोर शेप में कट कर लेंगे। आलूओं की हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और कुछ इस शेप में तैयार कर लेंगे। आलू के रोल को हम मैदे के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। इसे शेप देने के लिए हम इसको बीच से कट करेंगे। इसको फोल्ड करके हमें इसके रोल तैयार कर लेने हैं। मैदे के मिक्सर को लगा के हम इसकी किनारे को अच्छे से फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से हमें अपने बाकी रोल्स को भी तैयार कर लेना है। रोल को फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में ऐड कर रहे हैं रिफाइंड ऑयल। इसमें हम अपने रोल्स को फ्राई करेंगे। इसे हमें चलाते हुए दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। रोल्स हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये रोल्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें घर पर जरूर ट्राई करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।